अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है इब्रार अहमद और आप देख रहे हैं इब्रार अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अच्छा, मेरे पीछे अभी आप लोग बंडल देखें, लेडीज़ टाइट्स। अच्छा, इसमें सिर्फ लेडीज़ का माल नहीं होगा, इसमें मिक्स साइजेज हैं। इसमें मैंने माल देखा है, छोटे साइज़ भी हैं, दरमियाने भी हैं, लेडीज़ के साइज़ भी हैं, और उसके बाद इसके अंदर कपड़ा भी मिक्स है। इसके अंदर कॉटन भी है, जर्सी भी है, फैंसी भी है, और इसमें अच्छा, दरमियाना, हल्का, लंडे की जितनी भी प्रोडक्ट है ना, आप कभी भी उसके अंदर 100% मेक श्योर नहीं करेंगे कि भाई सारी चीज़ें ही सही होंगी। कुछ उसमें अच्छे भी आएंगे, कुछ दरमियाना भी आएगा, कुछ हल्का भी आएगा। पीसेस का आइडिया इसके अंदर नहीं है, गिनती नहीं किए हुए। इसका एक बंडल यहाँ पर खुला हुआ पड़ा है, वो भी दिखाऊंगा, और खुला माल भी इसका दिखाऊंगा। रेट स्क्रीन पर आ रहे हैं। लेडीज़ टाइट्स और पजामा, मतलब खुले पोंचों वाला और तंग पोंचों वाला टाइट्स भी है इसके अंदर, और खुले पोंचों वाला पजामा भी है। साइज़ बच्चों का भी है, दरमियाना भी है, बड़ा भी है। माल विज़िट कर लें आप। अच्छा, बंडल मैंने आप लोगों को 45 केजी के दिखाया है, उसके कुछ पीस वहाँ पर बंडल खुला हुआ था, उठाकर मैं यहाँ पे लाया हूँ। इसके कुछ पीस आपको यहाँ पर भी दिखा दूँगा और वहाँ पर बंडल भी खुला हुआ दिखा दूँगा। पीसेस इसके अंदर कितने हैं, कितनी क्वांटिटी है, हमें आइडिया नहीं है। 45 केजी इसका वज़न है, आप ये चेक करें, ये पीस चेक करें। अच्छा, ये देखें, इसके पोंचे जो हैं वो खुले हैं, बारीक स्टफ़ है, सर्दी वाला, बहुत मोटा नहीं है, ये पतला है। ठीक है, एक पीस हो गया। ये कॉटन टाइप फैब्रिक में, ये भी खुले पोंचे वाला है। ठीक है, पतला स्टफ़ है, मोटा नहीं है। इसमें सारा पतले स्टफ़ वाला माल है। ये देखें, ये टाइट्स है, पतले कपड़े में है, जर्सी टाइप में टाइट्स है ये। ठीक है, उसके बाद ये भी टाइट्स है। ये देखें, इसके नीचे रिप लगी हुई है, लेकिन क्या है, पतला कपड़ा है ये, पतला। आप लोग इसको विंटर का ना समझिएगा, पतला कपड़ा आप देखिएगा। अच्छा, ये बिल्कुल साफ पीस है, नीचे रिप लगे हुए हैं, ये टाइट्स का पीस है। उसके बाद ये देखें आप, ये पजामा है। इसके पोंचों से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये पजामा है। ठीक है, बिल्कुल बारीक कपड़े में, जर्सी टाइप कपड़ा है, लेकिन पतला कपड़ा है, विंटर का नहीं है। ये देखें, साइजेस भी आप लोग देख लें भाई, छोटे बड़े सब इसके अंदर मिक्स हैं, और सारा पतला कपड़ा आ रहा है। बाद में कोई ये ना बोले कि साइजेस नहीं बताए या कपड़ा नहीं बताया। अब ये देखें, ये भी जर्सी टाइप, रबड़ी टाइप कपड़ा है, खुले पोंचों वाला पजामा है, ये बड़ा साइज है। ठीक हो गया जी। ये देखें, ये टाइट्स है, ये भी जर्सी टाइप, रबड़ी टाइप कपड़ा है, ये भी पतला कपड़ा है, इसके अंदर सारा पतला माल है। ये देखें, ये टाइट्स है, इसका साइज़ देखें अलग है। ठीक है, ये खुले पोंचों वाला पजामा है, इसका साइज़ देखें अलग है, ये बिल्कुल बारीक स्टफ़ है, बारीक। आप लोग समझ रहे हो कि सर्दियां चल रही हैं तो विंटर स्टफ़ होगा, विंटर स्टफ़ नहीं है ये, देखें। लेकिन ये कम आती है चीज़, बाद में जब लोग मांगते हैं, नहीं मिलती, लोग फिर ये लेकर रख लेते हैं, लेकिन ये अभी इनमें भी चल जाती है। ये देखें, ये टाइट्स है, साइज़ इसमें छोटा बड़ा दरमियाना सारे मिक्स हैं। अभी इसकी ढेरी भी आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। ये देखें, अब ये कुछ अजीब सा साइज़ है, इस साइज़ की मुझे समझ में नहीं आ रही। स्टफ़ सारा बारीक है, 45 केजी का बंडल है। अभी मैं इसकी आप लोगों को ढेरी भी दिखा देता हूँ, फिर आगे इसका ऑर्डर प्रोसेस भी साथ साथ बता दूंगा। अच्छा जी, ये देखें, ये वो पीसेज हैं जो अभी मैं आप लोगों को सिंगल सिंगल करके दिखा रहा था। बाकी इसका बंडल ये खुला हुआ पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर कैसा माल है ये आप लोग देख लें। ये देखें, ये देखें, अच्छा ये सारा, ये देखें, ये कॉटन का कपड़ा है और बिल्कुल बारीक कपड़ा है ये, मतलब पतला है, विंटर के हिसाब वाला नहीं है ये, गर्मी में इस्तेमाल होने वाला है। ये देखें, ये टाइट्स है, ये वो रबड़ी कपड़ा होता है जो बिल्कुल रबड़ की तरह खींचने वाला, ये वो है। ये इसमें ज़्यादातर जर्सी का कपड़ा मुझे नज़र आ रहा है। ये वो बंडल है जो खोल कर रखा हुआ है नीचे तक। अच्छा, ये देखें, ये वो बंडल मैं आप लोगों को दिखाऊँ, यहाँ पर एक बंडल असल में पड़ा हुआ है। ये देखें जी, ये वो बंडल है नीचे, जो जिसके अंदर से ये माल निकल रहा है। ये देखें, अब आप लोगों को थोड़ा सा सही नज़र आ जाएगा। ये वो 45 केजी का बंडल है, इसके अंदर माशाल्लाह काफ़ी पीसेज हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी निकल जाएगी, लेकिन कंफर्म नहीं है कितनी निकलेगी। साइजेज़ एक आइडिया तन आप लोगों को बता दिए हैं। ये इसके बंडल पड़े हुए 45 केजी के। जिसने भी ऑर्डर करना हो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है। ठीक है जी, पेमेंट प्रोसेस एडवांस है, डिलीवरी चार्जेस आप लोगों के होते हैं।
और ट्रक अड्डे के थ्रू हम पूरे पाकिस्तान में माल बिल्टी करवाते हैं। तो आप ये 45 केजी का एक बंडल भी ऑर्डर कर सकते हैं, एक बंडल खुला हुआ आप लोगों को दिखा दिया है। अच्छा जी, ये लेडीज़ टाइट्स के ना कुछ बंडल आए हुए हैं, जिसने भी ऑर्डर करना है स्क्रीन पर नंबर है व्हाट्सएप, आप उस पर ऑर्डर अपना लिखवाएं और इंशाल्लाह हम आपका माल ट्रक अड्डे पर बुक करवाएंगे। पेमेंट प्रोसेस मीज़ान बैंक, इजी पैसा और जैस कैश के थ्रू होता है। जिसने भी ऑर्डर करना है उसको ये माल अभी फ़िलहाल पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बंडल नहीं है, कुछ ही बंडल पड़े हुए हैं, जो पहले ऑर्डर करेगा उसको हम इंशाल्लाह ये माल दे देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो कोई अच्छी सी लेके हाज़िर होऊंगा। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर वो कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको जो है वो मेरे चैनल के थ्रू कोई आइडिया मिल सके या वो मेरे चैनल के थ्रू कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो कोई अच्छी सी लेके हाज़िर होऊंगा। इब्रार अहमद ऑफिशियल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।